दोस्तों ये आदमी इस नाव के डेक पर गिर जाता है और एक अनजान शक्ति के द्वारा इस आदमी के पैर अपने आप मुड़ने लग जाते हैं। उस आदमी के पास ही में खड़ी महिला ये सब देखकर डर जाती है। इसके तुरंत बाद अब उस आदमी के हाथ भी बुरी तरह मुड़कर टूट जाते हैं। ये आदमी इस समय एक असहनीय दर्द से गुजर रहा है और तभी अचानक ये आदमी नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद FBI एजेंट ऑड्री और नेथन घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। सौभाग्य से ये आदमी अभी जिंदा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इस आदमी की हालत मरने से भी बुरी है क्योंकि इसके शरीर की 50 से भी ज्यादा हड्डियां फ्रैक्चर हैं। घटनास्थल पर खड़े डॉक्टर का कहना है कि उसने इस तरह का अजीब केस अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। एजेंट ऑड्री को उस आदमी के प्रत्येक घाव पर एक काले पदार्थ जैसा कुछ दिखाई देता है। कुछ समय बाद एक रियल एस्टेट कंपनी में एक विचित्र हत्या होती है। इस बार पीड़ित यहाँ एक सेल्समैन है और इस आदमी की हालत भी काफी भयानक है। इसके पूरे शरीर को 4 भागों में काट दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर के सभी भागों को बहुत सीधे और सफाई से काटा गया है। एजेंट ऑड्रे जैसे ही लाश के पास जाती है तो इसे एक टेबल के नीचे वही काला पदार्थ मिलता है जो कि उस नाव वाले व्यक्ति के शरीर पर था। अब एजेंट ऑड्री और नेथन को महसूस होता है कि जाहिर तौर पर ये दोनों हत्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।